हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज तनिष्का पुजारी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम अगले वीडियो में अदर कुछ और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, रादर देन हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो हमने पहले वीडियो में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, और आज इस वीडियो में हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मोड्स होते हैं। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है पैरासाइट्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम कहेंगे प्लांट पैरासाइट्स, और उसका एग्जांपल है कसकटा। पहले तो हमने डेफिनेशन बोल देते थे, प्लांट्स टू डिपेंड व्हिच टेक इंपॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम दी अदर प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड प्लांट पैरासाइट्स। तो उन्हीं में से एग्जांपल है कसकटा, जिसको हम क्या करते हैं डोडर। स्नेक जैसा देख सकते हैं, इसको प्लांट पैरासाइट कहेंगे जो है कसकटा। तो कसकटा एक येलो ट्यूबुलर स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्री में ऐसे अपने आप को रैप कर लेता है, और जिस भी ट्री और या प्लांट में ही अपने आप को रैप होता है उसको हम कहेंगे होस्ट। और रैप करके क्या करता है, ये रैप करके होस्ट इट टेक्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द होस्ट ऑफ द ट्री, इट अब्सॉर्ब्स इट, वो चूस लेता है। तो ये एक ट्री है और ये है कसकटा प्लांट पैरासाइट, और ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स इस होस्ट से चूस लेता है। तो इसी तरह से ये पैरासाइट, ये कसकटा पैरासाइट प्लांट पैरासाइट तो हुआ ही, साथ ही साथ ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो गया, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर इट्स फूड। तो ये कसकटा प्लांट पैरासाइट्स के साथ हेटरोट्रॉफी है। इट्स अ ग्रीन प्लांट और ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है। सो द नॉन ग्रीन प्लांट टेक्स फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, जिस आल्सो नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कसकटा प्लांट पैरासिटिक न्यूट्रिशन के साथ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों परफॉर्म करता है। चलिए, अब ये तो मत तो समझ में आ गया आपको। और एक इम्पोर्टेंट नोट मैं बता रही हूँ कि हमने इसमें प्लांट पैरासाइट क्यों कहा, ये तो खुद में भी एक पैरासाइट ही है ना, क्योंकि प्लांट को छोड़ के और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे कि लिचस, बेड बग्स और ऐसे कुछ छोटे छोटे मोटे मस्क्यूटोस जैसे। क्योंकि वो जैसे हमारा लीचेस लीचेस किसी की बॉडी में जब अगर स्टिक हो जाता है तो वो उसका जो ब्लड है वो ऐसे सक कर लेता है, मतलब वो एक प्लांट पैरा, वो एक एनिमल पैरासाइट हुआ, और जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर से वो ब्लड चूस रहा है वो है उसका होस्ट। ये प्लांट पैरासाइट को छोड़ के कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है जो पैरासाइट होते हैं, इसलिए हमने इसके लिए प्लांट पैरासाइट को यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सैप्रोफाइट यानी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेक मिनरल्स फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच परफॉर्म दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। तो इसका जो एग्जांपल है वो है फंगी यानी फंगस, सच एज मशरूम्स एंड ब्रेड माउथ। इधर ब्रेड माउथ तो समझ नहीं आएगा, मशरूम आप ले लीजिए, देखा होगा अमरे सम अमरे अमरेला लाइक ऑर्गेनिजम्स व्हिच ग्रो ऑन द रॉटन वुड,
सरी सरा वो जो लकड़ी होता है, यहाँ पर मैंने एक और पिक्चर बनाया है, ये है मशरूम्स और ये रॉटन वुड है, जिसके आजू बाजू सब फंगस हो गए क्योंकि वो सर गया है इन मेनी मेनी सीजन। ये जो सर्पिफाइड मोड ऑफ फंक्शन है ये ओनली मोस्टली टेक्स प्लेस इन मेनी सीजन, क्योंकि फंगस ज्यादा होता है। तो ये एक सड़ी हुई लकड़ी है रॉटन वुड, जिसमें ये मशरूम्स उग रहे हैं। तो ये सर तो सो दिस मशरूम्स आर दी फंगी, मींस दे आर सैफरॉन ड्रॉप्स व्हिच सक्स ऑल दी इंपॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम दिस रॉटन वुड फॉर देयर ग्रोथ। और एक होता है ब्रेड माउंड, ब्रेड माउंड को ब्रेड स्लाइस समझ लीजिए। इसके ये समझने के लिए आपको मैं एक स्टेप्स बताती हूँ कुछ, जिससे समझ सकते हैं कि ये कैसे ये इसमें कैसे फंगी आता है। सो फर्स्ट टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लीजिए और उसको पानी से गीला कर दीजिए, मॉइस्ट वेट, एक वेट ऑब्जेक्ट बनाकर कीप इट इन अ वार्म वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, उसको एक गर्म और नमी भरी जगह पे रख दीजिए 2-3 दिनों के लिए। आप ये नोट कर सकते हैं, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। मॉइस्ट प्लेस फॉर 2 to 3 days। उसको 2-3 दिनों के लिए एक गरम और नमीदार जगह पे रख दीजिए। और कुछ दिनों बाद ये देखने को मिलेगा कि उसमें कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन पैच, सम ग्रीन ग्रीन पैचेस उसमें आया हो गया है, आ गया है। तो वो जो ग्रीन ग्रीन, और अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो एक आपको कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जैसा लगेगा। तो उन्हीं ग्रीन ग्रीन पैचेस को हम कहेंगे फंगस। वो ग्रीन ग्रीन पैचेस होता है फंगस। मैं आपको बता देती हूँ कि ये फंगस कैसे अड़ाई होता है उसमें। जर्मिनेट कर लेते हैं, जर्मिनेट करके वो लोग वो बन जाते हैं फंगस प्लांट्स, और फिर फंगस प्लांट्स बनके वो उस ब्रेड साइज से सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सब कर लेते हैं, चूस लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उस ब्रेड स्लाइसेस से चूस लेते हैं। तो यही होता है इन सैप्रोट्रॉप्स और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का काम, जिनको हम कहेंगे फंगी इन सिंगुलर फंगस। तो अब आपको ये समझ में आ गया है सैप्रोपैरासाइट साइट्स और सैप्रो, लेकिन इनको छोड़कर कुछ और भी ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि एकदम पेक्युलर है, एकदम अनोखा, डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे करते हैं उनको पहले तो हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने बहुत बार सुना होगा, और इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम कार्निवोरस भी।
हमने लिखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कार्निवोरस भी कहेंगे क्योंकि क्योंकि ये लोग इंसेक्ट दे ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर देयर ग्रोथ। पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में कि दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो ऑन अ सॉइल विच हैज डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन मिनरल, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अगर में नाइट्रोजन की मात्रा कम है मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं, मतलब प्रोटीन्स भी नहीं बना सकते। मैं बात बता दी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कार्निवोरस तो होते ही है, लेकिन वो लोग उनके जो लीव्स हैं वो ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस फॉर्म करने के लिए उनको जो प्रोटीन बनाना होगा उनके लिए उनको नाइट्रोजन मिनरल लगेगा जो उनके पास नहीं है, इसलिए वो लोग इंसेक्टिव ये इसलिए वो लोग कार्निवोरस कार्निवोरस इंसेक्ट्स जैसे कोई भी आप रोक लीजिए। तो द एपेक्स टॉप पार्ट ऑफ द लीफ, यहाँ देख लीजिए एक पिचर टाइप होता है, इसको हम कहेंगे पिचर। और ये जो चीज होती है इसको हम कहेंगे लिड। जब व्हेन अ फ्लाई एंटर्स दिस पिचर इट गोज इनसाइड इट एंड द पिचर एंड द लिड ऑफ द पिचर ऑटोमेटिकली क्लोजेस, इट ऑटोमेटिकली क्लोजेस। अब इस पिचर के अंदर होता है मींस ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि नीचे की तरफ फेस करता है। वो जो फ्लाई इसके अंदर फंसती है, इट गेट्स एंटैंगल्ड विद दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और कुछ समय बाद वो घुटन से मर जाती है। तब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये उस फ्लाई के अंदर से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट मिनरल सब कर लेते हैं व्हिच इज यूज्ड बाय द होल पिचर प्लांट। इसको हम कहते हैं पिचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, इसको कहेंगे पिचर प्लांट। तो ये पिचर प्लांट दैट न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द होल पिचर प्लांट। तो कुछ और एग्जांपल्स है पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, वही पिचर प्लांट तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी दिखा दिया। दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडर वॉर्ट। तो हमने ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को समझ लिया। अब हम जाएंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स में। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? तो ये बड़ा इनमें अगर एक अद्भुत सा रिलेशन होता है, द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच लिव लाइक देयर ऑफ दिस सेम प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। दो अलग जाति के प्लांट्स डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स व्हेन लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर फॉर द सर्वाइवल इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, उसको सिम्बायोसिस कहेंगे। और द टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स विच आर इन अ कंडीशन दैट दे हेल्प ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे और विच इज परफॉर्म विद सिम्बायोटिक प्लांट्स दैट रिलेशन नोन एज सिम्बायोसिस। तो ये सिम्बायोसिस करने वाले जो प्लांट्स होते हैं पहले तो हम बोलेंगे उनको लिचेंस। लिचेंस एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक प्लांट्स का। सिर्फ लिचेंस नहीं, लिचेंस के जो पार्ट्स होते हैं जैसे लिचेंस का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये जो लंबा थर्ड लाइक थिन फिलामेंट है इसको हम कहेंगे फंगस और इसके ऊपर जो है उसको हम कहेंगे एल्गा। तो एल्गा इज अ ग्रीन प्लांट व्हाइल फंगस इज अ नॉन ग्रीन प्लांट, इसको पता होगा फंगी इज अ नॉन ग्रीन प्लांट दैट व्हाई इट फॉर्म्स सल्फर। लेकिन ये वाला इट दिस फंगस डज नॉट प्रोवाइड सल्फरिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस फंगस हेल्प्स द एल्गा, दे बोथ हेल्प ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। सो दिस फंगस अब्सॉर्ब्स द वाटर वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल
and gives it to Elda. The Naga, while being a green plant, makes food and glucose with the help of photosynthesis. And then the produced food is shared by both the parts of the plant called lichen. तो यही है symbiotic relationship. Fungus पानी और important minerals roots absorb करके algae को देते हैं और algae उनसे photosynthesis से food बनाती है और फिर fungus को देती है. तो इस तरह से इन दोनों का survival हो जाता है. और एक प्लांट है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉर्म करता है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो हम कहेंगे एग्जांपल है ग्राम, पीस, वो सब जो छोटे छोटे बीन्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये इट इज प्रेजेंट इन द रूट नॉड्यूल्स, रूट के नॉड्यूल में प्रेजेंट होता है इन द ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नॉड्यूल में प्रेजेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट वाटर एंड मिनरल्स leguminous plants को पहुंचाता है. Then leguminous plants being a green plant performs photosynthesis and then gives food and shelter to the rhizobium bacteria. तो अब दो मैं एक बात बता दूं, जो rhizobium bacteria है ये वही bacteria है जिसके बारे में हमने बात की थी एक वो photosynthesis के chapter में. हमने आपको बोला था कि roots have some important bacteria which converts nitrogen gas into nitrates, nitrogen compounds, and then transports it to the leaves for the photosynthesis. So wo jo bacteria hai wahi hai rhizobium bacteria. So rhizobium bacteria nitrogen gas ko nitrogen compounds banake pani ke sath leguminous plants mein pahuncha deta hai aur फोटोसिंथेसिस हो जाता है. और इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं फॉर द सर्वाइवल. तो आज के लिए हमने बस पढ़ा इतना. हमने क्या पढ़ा? पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए. और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.